Hey, hi, I'm Dr. Abhinit Gupta. Aaj ka mera video hai Hydronomics Forte ke upar. It's a very unique cocktail. Serum ka cocktail hai. Iske andar bahut sari skin lightening agent jo aapke spots hyperpigmentation aapko melasma agar ho raha hai usko aapke age spot sun spot टैनिंग अगर आपको हो रही है या आपको रिंकल्स आ रहे हैं तो सब चीज में ये ऑल इन वन कॉम्बिनेशन वर्क करेगा. मार्केट में हाइड्रोनॉमिक्स फोर्ट फर्स्ट कंपनी है, सॉरी इट्स अ हाइड्रोनॉमिक्स फोर्ट नेम है, बट वी आर हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड फर्स्ट कंपनी जिसने इस तरीके का मिक्सचर बना के मार्केट में लॉन्च किया है. इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ. इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन है विच इज स्किन लाइटिंग एजेंट, लाइक 4% हाइड्रोक्विनोन डाला हुआ कंपनी ने, जो कि ट्रायोसिन पाथवे में वर्क करता है, उसको ब्लॉक करता है. तो आपको एक्ने के बाद PIH हो जाते हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन. आपको कहीं भी कोई स्कार पड़ गया, निशान पड़ गया, ब्लैक स्पॉट आ गया, कहीं भी कुछ भी आ गया, तो वहाँ पे पिगमेंटेशन मिलानिन पिगमेंट डिपॉजिट होना चालू हो जाते हैं. तो हाइड्रोक्विनोन क्या करता है, उस मिलानिन पिगमेंट को डिपॉजिट होने नहीं देता है, उसका बनने की प्रोसेस में ही जो ट्रायोसिन पाथवे होता है उसको भी ब्लॉक कर देता है, तो वो नहीं बनता है. दूसरा इसमें विटामिन सी है, मतलब मैंने इतने सारे विटामिन सी सीरम के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ. तो अगर ये उन क्लाइंट्स के लिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये हाइड्रोनॉमिक्स जिनको मल्टीपल इश्यूज हैं अपने स्किन से रिलेटेड, लाइक पिगमेंटेशन हो रहा है, मिलेज्मा अगर है आपको, रिंकल्स आ रहे हैं, तो आपको एक ही सीरम के अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके एज स्पॉट लाइक फ्रिकल्स होते हैं, आपके सन स्पॉट, आपको टैनिंग है वो भी खत्म करेगा. मतलब आप इसको लगाओगे आपको उसके अलावा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एक्सफोलिएटिंग एजेंट यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड भी है. कंपनी ने इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड 7% और कोजिक एसिड 2%, मतलब आपको लगता है कोजिक एसिड की क्रीम भी नहीं चाहिए. कोजिक एसिड भी स्किन लाइटिंग एजेंट होता है, वो भी आपके मेलानिन पिगमेंट के प्रोडक्शन को रोकता है, कम करता है, तो आपको स्किन लाइटिंग एजेंट भी देता है, एज अ इफेक्ट देता है. हाइड्रोक्विनोन भी स्किन लाइटिंग इफेक्ट देता है, तो कॉम्बिनेशन में डबल इफेक्ट आता है. ठीक है, साथ ही साथ में इसमें 7% ग्लाइकोलिक एसिड है. ग्लाइकोलिक एसिड इज अ पीलिंग एजेंट जो डेड लेयर को रिमूव कर देता है, तो आपके अगर स्किन में डेड लेयर एक्युमुलेट हो रही है फेस पे, तो वो ग्लाइकोलिक एसिड उसको धीरे धीरे रिमूव करता जाएगा. जब ग्लाइकोलिक एसिड उसको रिमूव करेगा तो जो आप ये सीरम जब चेहरे पे लगाएंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन और बढ़ जाएगा, चेहरे में शाइनिंग और बढ़ जाएगी. जब आपकी डेड लेयर निकल जाएगी तो आपके चेहरे में एकदम शाइन आ जाएगा, बिकॉज डेड लेयर हमारी स्किन में लाइट को खाता है. आपने बहुत सारे लोगों की फेस को देखा होगा, चितकबरा फेस होता है, कहीं ज्यादा चमक होती होती है, कहीं डल फेस हो रहा होता है, तो वो डेड लेयर एक्युमुलेट होने के कारण होता है. तो इसमें जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो आपके स्किन को एक्युमुलेट होने नहीं देगा वहां पे, तो आपकी स्किन में चमक आती रहेगी. आपको बार बार फेशियल लेने की जरूरत नहीं है, आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर आपको स्क्रबिंग करते हैं तभी डेड लेयर निकलती है, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है. ना ही आपको किसी भी, अगर आप इसको, इस सीरम को रेगुलर लगाते हैं सुबह शाम, इसको दिन में दो बार लगाना है, अगर आप लगाते हैं तो आपको कोई भी पीलिंग एजेंट यूज करने की जरूरत नहीं है आपके फेस पे. आपको किसी डॉक्टर के पास जाके ग्लाइकोलिक पील जनरली लोग कराते हैं, 20% ग्लाइकोलिक पील कराते हैं, तो वो 15 दिन में एक सेटिंग होती है और 3-4 सेटिंग 5-6 सेटिंग होती है, वही एज स्पॉट है सबको डेड स्किन को निकालने के लिए. बट इसमें लो उसमें लो डायल्यूशन में दिया हुआ 7% है, तो स्लोली वो रिमूव करता रहेगा. आप इसको रेगुलर लगा सकते हो तो धीरे धीरे डेड लेयर को एक्युमुलेट होने ही नहीं देगा. साथ ही साथ में लैक्टिक एसिड भी 5%, लैक्टिक एसिड मिल्क डेरिवेटिव होता है, अगेन इसका स्किन लाइटिंग इफेक्ट होता है, रिंकल्स पर वर्क करता है, फाइन लाइन्स हैं, रिंकल्स हैं, उसको भी खत्म कर देगा आपके. साथ साथ इसमें हाइलोरिक एसिड है. हाइलोरिक एसिड के सीरम मैंने बहुत सारे बनाए थे, इसके पहले वीडियो बना चुका हूँ. मार्केट में बहुत सारे हाइलोरिक एसिड के सीरम आते हैं जो नाइट में लगाए जाते हैं, जो आपको प्लम्पिंग इफेक्ट देते हैं, जो एंटी एजिंग इफेक्ट भी देते हैं, तो आपको ऑल इन वन है ये हाइड्रोनॉमिक्स फोर्ट जो लाइटिंग इफेक्ट भी देगा. क्या क्या करेगा, डार्क एज स्पॉट को हटाएगा, सन डैमेज आपका कुछ सन में डैमेज हो रहा है बाहर जाने पे जो है, हाइपर पिगमेंटेशन कोई भी हाइपर पिगमेंटेशन चेहरे पे है आपको, स्पॉट ब्राउन स्पॉट ब्लैक स्पॉट कुछ भी है उसको कम करेगा. अनइवन स्किन टोन, कहीं कुछ चितकबरा जो स्किन टोन होता है वो है, मिलेज्मा है जो कि मिलेज्मा से बटरफ्लाई शेप का होता है, बहुत सी फीमेल्स को आफ्टर प्रेगनेंसी हो जाता है या हार्मोन डिस्बैलेंस के कारण होता है, तो उसको भी ये रोक के रखेगा, कम कर देगा. देखो मिलेज्मा खत्म नहीं होता है, तो आप सोचो कि ये लगा लोगे और खत्म हो जाएगा, तो नहीं पॉसिबल. और एजिंग स्पॉट, एजिंग बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड भी है जो एजिंग पे वर्क करेगा, विटामिन सी भी है जो एंटी एजिंग वर्क करता है, साथ ही साथ में ग्लाइकोलिक एसिड जो डेड लेयर को निकालेगा. जब डेड लेयर निकलती रहेगी तो न्यू स्किन बहुत अच्छे से ग्रो होगी और चमकदार स्किन आएगी. हम इसको खोल के देखते हैं कि क्या है अंदर बॉक्स के. कॉम्बिनेशन एकदम यूनिक है मार्केट में सीरम के. देखें तो विटामिन सी का सीरम अलग आता है, हाइलुरोनिक एसिड का सीरम अलग आता है, मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ. तो ये एक ऑल इन वन है, मतलब आपको अलग अलग चीज़ें नहीं खरीदना है, आपको एक ही चीज़ खरीदना है और आपको इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा. और
ओके तो ये इतनी बड़ी शीशी है, इसकी प्राइस है 1492, मतलब 1492 अप्रॉक्स 1500 रुपीस का इसकी प्राइस है. और खुशबू, इसको दिन में दो बार लगाना है ना, आप चाहो तो पर्टिकुलर चेहरे पे फुल फेस पे भी लगा सकते हो, चाहो तो स्पॉट पे भी लगा सकते हो. आपको अगर पर्टिकुलर से स्पॉट के लिए चाहिए तो आपको इसको स्टार्टिंग जब नया नया ओपन करेंगे तो आपको बहुत बार हिलाना पड़ेगा इसको, ताकि पंप में प्रेशर वैक्यूम क्रिएट हो जाए तब निकलेगा बाहर. ये निकल ही नहीं रहा है. कंपनी वालों खाली तो नहीं दिया है मेरे को, आई थिंक इसके पंप में कुछ इशू है. I don't know, but इसके अंदर है वैक्यूम, इसको क्रिएट नहीं हो रहा है. आई थिंक इस देर इज समथिंग इशू, कुछ इशू हो रहा है इसके अंदर. आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, ओके, 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 आ गया है. ओके, तो ये बहुत ही वॉटरी टाइप का है, कोई थिक नहीं है, वॉटरी है और स्मेल कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, खास स्मेल नहीं है, मेडिकेटेड स्मेल ही आ रही मुझे. बट या ऐसा कोई स्टिक नहीं होगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा फट से. तो आप इसको दिन में दो बार लगा सकते हो. इसके ऊपर आपको सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट लगाना, जब भी कोई भी आप इस टाइप की स्किन ट्रीटमेंट लगा करवा रहे हैं और सीरम लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो न्यू पिगमेंट को, न्यू सन डैमेज को होने से रोकेगा. हमारा काम है उसको रोकना भी, और एल्स वो जब डैमेज होगा तो आपको, एक मिनट, डैमेज होगा तो फिर मतलब ही क्या निकलेगा, क्या बाहर धूप में जा रहे हो, फिर काले हो जा रहे हो, फिर पिगमेंट आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हो और इसको आप हटा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है. तो आप जब इसको लगाएं तो सुबह शाम लगाएं और सनस्क्रीन रेगुलर लगाएं. मैं साथ में बोलूंगा कि फिजिकल सनस्क्रीन के साथ साथ आप इसमें ओरल सनस्क्रीन भी खाएं, लाइक यूवी चेक है या कुछ भी है, वो आप गोली खाइए. और ये आपको मिल जाएगा www.laskomig.com पे, वहाँ पर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा. तो अगर आप इस तरह के कोई एंटी एजिंग और पिगमेंटेशन और टैनिंग के लिए कोई ऐसा सीरम देख रहे हो जो ऑल इन वन वर्क कर रहा है, तो आप विटामिन सी भी है इसके अंदर, इसके अंदर लैक्टिक एसिड भी है, इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड भी है, इसके अंदर कोजिक एसिड भी है. कोजिक एसिड भी देखो बहुत से महंगा, बहुत महंगा आता है, कोजिक एसिड क्रीम आती है, मेरे ख्याल से 15-20 ग्राम की उसकी जो क्रीम आती है वो 250-300 या 400 रुपये की आती है, क्रीम, ओनली क्रीम है ना, 15-20 जो ग्राम की क्रीम होती है. और अकेला ग्लाइकोलिकल वो अलग है, ग्लाइकोलिक एसिड तो महंगा नहीं आता, बट हाँ विटामिन सी सीरम 2000 के आते हैं, तो 1500 में आपको हर चीज़ मिली इसमें. हाइड्रोनिक एसिड भी है, विटामिन सी भी है, ग्लाइकोलिक भी है, लैक्टिक भी है, हाइड्रोक्विनोन भी है, सब कुछ ऑल इन वन कॉम्बिनेशन है. तो इसको जाके ट्राई जरूर करिए. मेरी आई डी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा. और ये मेरा वीडियो कैसा पसंद आया कि नहीं आया, और अगर आपकी आपकी मम्मी को या आपकी किसी फ्रेंड को या किसी को भी ऐसी लेडीज़ को, खासकर मिलाज्मा होता है, मेल्स को 20% मिलाज्मा होता है, अगर ऐसे किसी को भी बहुत ज़्यादा मिलाज्मा दिख रहा है तो उनको जाके शेयर कर देना लिंक, बोला जाओ और ये वीडियो जाके देखो और ये परचेस करके इसको लगाओ और डॉक्टर गुप्ता आपको जाके बताओ कि कैसा रिजल्ट दिया उसने. ओके तो स्टेट यूनिट में डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, मैं और भी अच्छे से वीडियो लेके आऊँगा. ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.